हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ऑटोमेक चैनल। और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा की एंड्योरेंस और फ्यूल एफिशिएंसी कैपेसिटी के बारे में। जैसे कि आज तक टाटा टियागो को इतना टाइम हो गया लॉन्च हुए हुए, और अब तक यही काफ़ी सारे सवाल आते हैं। जैसे मैं वीडियो डालता हूँ कि टाटा की एफिशिएंसी क्या, ड्यूरेबिलिटी क्या है, उसका लॉन्ग रन के लिए कैसी रहेगी, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि टाटा ने लॉन्च करने से पहले अपने ये सारे टेस्ट जो हैं वो एंड्योरेंस एंड फ्यूल एफिशिएंसी एंड बिल्ड कैपेसिटी, बिल्ड एबिलिटी और जो भी सारे टेस्ट हैं, ये इन्होंने ऑलरेडी इस पे टेस्टिंग कर चुके हैं। और ये जो टेस्ट हुए हैं ये गाड़ी पे किए गए हैं, और टाटा मॉडल, टाटा टियागो, टाटा ने अपनी तीन गाड़ी बेसिकली टेस्ट किए हैं, टाटा जेस्ट, टाटा बोल्ट और टाटा टियागो। और ये गाड़ियों के टेस्ट जो हैं वो प्रैक्टिकली किए गए हैं, इनको ड्राइव करते टाइम 18 दिन का टेस्ट ड्राइव लिया गया इनका। और बहुत हैरानगी की बात है कि कॉन्टिन्यूस विदाउट ब्रेक कॉन्टिन्यूस जो है वो 18 दिन तक इन पे नॉन स्टॉप ये गाड़ियों को चलाते रहे। इस गाड़ियों की टेस्टिंग हुई NCAT में, नेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव ऑटोमोटिव टेस्टिंग, नेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेस्टिंग, जो कि जिसका जो ट्रैक है वो है लगभग 4.2 किलोमीटर का। और ये जो आता है, ये आता है VRDO के अंतर्गत, जिसका व्हीकल रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और VRDO जो आता है वो आता है DRDO के अंतर्गत, जो है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारे अहमदनगर में है। और वहाँ पे ये जो है वो टाटा टियागो, टाटा बोल्ट और टाटा जेस्ट के ऊपर 18 दिन के लिए इनको कॉन्टिन्यूस जो है वो टेस्टिंग की गई बिना रुके गाड़ी को। और लगभग 50,000 किलोमीटर जो है वो गाड़ी चलाई गई, जो कि सिर्फ 18 दिन के अंदर अंदर जो है वो कवर किए गए। और ये जो टेस्टिंग की गई है ऑन एन एवरेज स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर 120 किलोमीटर पर आर की स्पीड से, ये ऑन एन एवरेज जो है वो इसकी टेस्टिंग की गई। और ये टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, और ये टेस्ट जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 14 मार्च 2016 को, ये जो था वो एंड्योरेंस और फ्यूल एफिशिएंसी का टेस्ट जो था वो वहां पे किया गया। जैसे कि मैंने पहले बताया कि टेस्ट जो था ये 14 मार्च 2016 को स्टार्ट किया गया। और जो मैंने तीन गाड़ियां बताई, टाटा पोल, टाटा जस्ट, टाटा टियागो, तो ये रैंडमली पिक गई गाड़ियां थी प्लांट में से। तो ऐसा नहीं था कि स्पेसिफिक ये गाड़ियां उठाई गई और उनको टेस्ट करके ऑलरेडी उनको जांच परख के वो गाड़ियां चुनेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। इनको स्पेसिफिक रैंडमली इनको पिक किया गया तीनों गाड़ियों को, और इनको फिर वहां पर टेस्ट किया गया लगभग 18 घंटे, जैसे मैंने बताया कि इनको नॉन स्टॉप जो है वहां पे रन किया गया। ऑन एन एवरेज जो था वो 160 तक भी इसकी टेस्टिंग की गई, जैसे कुछ टाइम के लिए 160 तक कॉन्टिन्यूस इसको रन किया गया, फिर 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे भी इसको टेस्ट किया गया। तो इसका सारा जो इंजन एफिशिएंसी है, इंजन ब्रेकिंग है या कुछ भी चीज़, हर चीज़ जो है वो परफॉर्मेंस वहाँ पे वो जो है वो मेजर करते रहे और टाइम टू टाइम उसको सेव करते, रिकॉर्ड करते रहे। तो इन दो हमारे तीनों चारों गाड़ियों ने जो था लगभग 2 लाख किलोमीटर कवर की, चारों गाड़ियाँ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टियागो के इसमें दो मॉडल थे, जेस्ट और बोल्ट तो थी, बट टियागो जो रेवट्रॉन और रेवट्रॉन क्यू जो पेट्रोल डीजल इंजन था, वो दोनों गाड़ियाँ इसमें डीजल वाली भी और पेट्रोल वाली भी इसमें शामिल थी। तो चारों ने मिला के लगभग जो था तो 2 लाख किलोमीटर तक जो है वो कवर किया, जो कि 5 टाइम्स बराबर है, 5 टाइम्स ज़्यादा है, सॉरी, जो हमारा अर्थ का जो सर्कमफ्रेंस है उससे भी 5 टाइम्स जो है वो ज़्यादा है लगभग। और जो हमारा टोटल जो ईच जो गाड़ी ने डिस्टेंस ट्रैवल किया, जैसे कि 50,000 किलोमीटर जो है वो ईच गाड़ी ने ट्रैवल किया, और ये अगर मैं आप किसी नॉर्मल हमारे जैसे नॉर्मल लोग को अगर ये गाड़ी चलानी है 50,000 किलोमीटर कवर करना है, तो लगभग 3 साल से लेकर जो 5 साल तक उन्होंने एवरेज एक बंदा जो है वो 50,000 कवर करने में लगा लेता है। तो उन्होंने ये कॉन्टिन्यूस 18 दिन में मतलब ये ख़त्म कर दिया। तो आप सोचो कि कॉन्टिन्यूस किसी गाड़ी को चलाना। और एक चीज़ और बता दूं कि जो ड्राइवर थे वो मतलब वो 2 घंटे की शिफ्ट के हिसाब से चेंज होते थे वहाँ पे, कि जैसे 2 घंटे हो गए तो नेक्स्ट ड्राइवर वहाँ पे आ गया, फिर अगला 2 घंटा जैसे वो ड्राइवर चेंज हो गया तो अगले 2 घंटे के लिए नेक्स्ट ड्राइवर आ गया। तो ऐसे ऐसे ये शिफ्टिंग में रोटेट करते रहे, और लगभग जो है वो इसको कॉन्टिन्यूसली इसको जो है वो 18 दिन जो है वो इसको ड्राइव करते रहे। तो और फिर सारा इसका रिकॉर्ड देखते रहे कि तो, और ये पहली इनके जो जितने भी सारे इसके रिजल्ट्स हैं वो टाटा ने पहले ही कलेक्ट करके रखे हुए थे अपनी गाड़ियों के, और इनकी जो परफॉर्मेंस थी, जो एफिशिएंसी थी,
जो भी सारी चीज़ें थी पहले ही टेस्टिंग की हुई थी, तो उसमें डरने की बात नहीं है, क्योंकि 18 दिन तक कंटिन्यूस गाड़ी चलाना, 50,000 किलोमीटर गाड़ी चलाना जिसको 3 से 5 साल लग जाते हैं, और वो नॉर कंटिन्यूस टेस्टिंग करना, तो मीन बहुत बड़ी बात है। तो हैट्स ऑफ फॉर दिस टू टाटा, और उन्होंने इस तरह से जो टेस्टिंग प्रोग्राम की अपनी गाड़ी पे। और एक चीज़ आपको बता दूँ कि पहला OEM है, पहला ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है जिसने ये 360 रिकॉर्ड सेट किया एंडोरेंस और फ्यूल एफिशिएंसी और स्ट्रेंथ के मामले में, और ये रिकॉर्ड जो है वो बनाया, और काफ़ी इस रिजल्ट इसके काफ़ी अच्छे आए, इस पर काफ़ी खरा उतरा, और एक अच्छी जो थी वो परफॉर्मेंस टाटा की गाड़ियों के सामने निकल के आई। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ के बारे में वाकिफ नहीं थे, तो मैंने सोचा कि ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर दूँ, होप कि आपको ये इंटरेस्टिंग लगी हो और ये इन्फॉर्मेशन आपको। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अगर आप न्यू हैं यहाँ पे, न्यू व्यूअर हैं, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जो है वो आप क्लिक कर सकते हैं, सब्सक्राइब चैनल कर सकते हैं मेरे चैनल को, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।